हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल गुरु टैलेंट पर। हाँ जी, मेरा नाम है दीपक निषाद और आज मैं आपको फिर से ले चल रहा हूँ एक एस्टीमेट के बारे में बताने के लिए। जी हाँ, आज मैं आपको वोर्टेक्स सेकर के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, कम ऑन, फॉलो मी। ये आपको किसी भी लेबोरेटरी में देखने को मिल जाएगा, आराम से आप किसी भी लेबोरेटरी में देख सकते हो। आपकी बायोटेक लैब हुई, रिसर्च लैब हुई, आपकी माइक्रोबायोलॉजी लैब हुई। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है? मेन काम होता है कि ये सैंपल्स को मिक्स करने के लिए काम आता है। वोर्टेक्स प्रोवाइड करने के लिए आपका वोर्टेक्स सीकर काम आता है, ठीक है। वोर्टेक्स सीकर में क्या है, एक मोटर लगी होती है। देखो ये क्या है, आपका रबर कप है। रबर कप के आप अंदर देखो तो इसके अंदर मोटर लगी होती है। मोटर क्या करती है, मोटर रबर कप को, रबर पीस को एक मोशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है उसका मोशन रबर पीस में जाता है और रबर पीस या फिर रबर कप के ऊपर आप एपन ड्रॉप ट्यूब हुई आपकी या फिर आपकी टेस्ट ट्यूब हुई, आपकी जैसे ही मोटर चलती है तो एक मोशन क्या रबर कप में जाता है और रबर कप से ही आपको टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर रखते हो तो वही सेम मोशन टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, और एक वोर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो कई सारे क्या है कि वोर्टेक्स सेकर जो होते हैं डिफरेंट स्पीड के होते हैं। नॉर्मली इसकी रेंज जो होती है ना वो 100 आरपीएम से 3200 तक की हो सकती है, मतलब कि 100 से 3200 आरपीएम तक की स्पीड हो सकती है इसकी। जैक ए क्राफ्ट एंड हेरोल्ड डी क्राफ्ट ने इसे इन्वेंट किया था। मैं इसकी वर्किंग बता देता हूँ आपको, ठीक दोस्तों। इसकी मैं आपको वर्किंग बताता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। आप ऑन कर लो, यहाँ से ऑन कर लिया आपने तो यहाँ से भी ऑन ऑफ का है, तो यहाँ से आप इसे कमांड दे दो, ऑन कर लो। ये आपका रोटर है, इससे क्या हम स्पीड मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये आपको तो पता ही, इंडिकेटर एक मेंस है, वो आपको बता ही चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में। देखो इससे क्या है, स्पीड, आप मोटर की स्पीड कितना रखना चाहते हो, मीडियम स्पीड तो मीडियम हो जाएगी आपकी, फास्ट तो फास्ट, ठीक है। आप कोई भी सैंपल है आपको, जिसमें कि एक पैलेट था, पैलेट को मैंने मिक्स किया हुआ है, ठीक है। पैलेट था तो पैलेट को रीसस्पेंड करने के लिए, ठीक है, उसको मिक्स करने के लिए, वोर्टेक्स क्रिएट करने के लिए, इस तरीके से पकड़ो आप और इस तरीके से आप उसे वोर्टेक्स करो। देखो काफी अच्छा फिक्स हो गया, इस तरीके से आप उसे वोर्टेक्स करोगे। देखो मोटर से मोशन ट्रांसमिट हो रहा है किसमें, आपकी रबर में, रबर पीस में। रबर से कहाँ जा रहा है, आपके एपन ड्रॉप के अंदर सैंपल में। तो इस तरीके से आपका वोर्टेक्स क्रिएट होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल यूज है इसका, बस केयरफुली से यूज़ करते जाओ आप। इसमें क्या है, हम इसे हैंड फ्री भी कर सकते हैं, पता है आपको। जैसे आपका ये रबर कप है, रबर कप में इसको निकाल के इसमें हम कई सारी एसेसरीज ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि और भी हमें कई सारी टेस्ट ट्यूब यूज़ करनी है या फिर एपन ड्रॉप ट्यूब यूज़ करनी है तो इसके लिए भी अलग से एसेसरीज आती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स भी करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके दोस्तों, बाय बाय।